हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स पे। फ्रेंड्स, आज के दिन आपको इसमें 2% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के क्या रीज़न है और ये गिरावट कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, क्या कुछ इसकी अपडेट है, डिटेल से समझेंगे। साथ ही में समझेंगे कि अब आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको पूरी देखते हो तो। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। अब बात करते हैं हमारे स्टॉक पर। भाई, गिरावट आज आपको 0.2% की देखने को मिल रही है। अगर हम वैसे देखें तो 20 पॉइंट के करीब की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसकी गिरावट के पीछे एक रीज़न है, रीज़न की तरफ चलते हैं, वो है अपडेट। समझते हैं क्या कुछ है। आ गए हैं अपडेट पे। बताया जा रहा है टाटा मोटर्स से, टाटा मोटर्स को झटका, अगस्त में 8% घटी कंपनी की बिक्री, शेयर 2% लुढ़का। भाई, गिरावट का रीज़न आपको पता ही चल गया है कि भाई जो इनकी बिक्री है वो घटे, इन्होंने डाटा शेयर किया है, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिले। समझते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आगे। टाटा मोटर्स के शेयर आज 2 सितंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान 2% तक लुढ़क गए। यह गिरावट इस खबर के बाद आई कि अगस्त महीने के दौरान कंपनी की बिक्री धीमी हुई है। सुबह 9:45 टाटा मोटर्स के शेयर में NSE पर 1098 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि इस गिरावट के बावजूद इस साल अब तक टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 38% की तेजी आई है। भाई, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दिए हैं इस साल, इनने 38% तक की तेजी आपको देखने को मिली। टाटा ग्रुप की इस कंपनी की बिक्री अगस्त में 8% घटकर 71,693 यूनिट्स रहा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 78,010 यूनिट्स की बिक्री की थी। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल CV और जो पैसेंजर व्हीकल है PV दोनों सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई है। भाई, जो बिक्री है मेन बात वही है जिसकी वजह से गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे भी समझते हैं कि क्या कुछ है अपडेट में। यहाँ पे बताया जा रहा है, हालांकि ब्रोकरेज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में लगभग 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस हिसाब से कंपनी की M&HCV सेगमेंट की औसत मासिक बिक्री 17,400 यूनिट पर पहुंच सकती है। वही लाइट कमर्शियल व्हीकल में ब्रोकरेज को आने वाले महीने में 5% की ग्रोथ या मासिक 19,300 यूनिट की बिक्री रहने की यहाँ पे संभावना है। कुल मिला के देखो भाई, डाटा खराब आया है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो अभी भी इसे एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं। जब टाटा मोटर्स में कंटिन्यू गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, टाटा मोटर्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के व्यू से तो रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में है तो अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अभी देखो भाई, डाउन ट्रेंड में मैं स्टॉक को कब लूँगी, जब ये हमारा सपोर्ट जोन है, जो कि मैंने यहाँ पर बता रखी है 1049 से, और ये जो स्पोर्ट है 1028, यहाँ से ये रिकवरी दिखा सकता है। उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना, तो फिर ये 944 तक जा सकता है। अभी तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, और हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर ये करता है तो एक स्पोर्ट ये है भाई जो इम्पोर्टेंट रहेगा, 1069 का स्पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो भाई स्पोर्ट जोन के अंदर से स्पोर्ट ले सकता है। बाकी भाई और कोई ऐसी नेगेटिव अपडेट नहीं है जिसके बेस पे कह दे कि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
जब भी कोई भी स्टॉक अच्छे रिटर्न दे देता है तो एक डीप आता है, अगर आप बात करें, क्योंकि स्टॉक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई की जगह पे अब ये नीचे से ही दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कि हायर हाई अब और न्यू बनाएगा या नहीं, बाकी अभी प्रेशर देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद के एनालिसिस जरूर करें।